हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक है रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत। ये सीटेट में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है और यूपी टेट और सुपर टेट में भी उसके साथ साथ इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तीन क्वेश्चन इससे बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम आज का अपना ये टॉपिक देखते हैं, गैने का सिद्धांत। रॉबर्ट एम गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकार का वर्णन किया है। तो इस 8 प्रकार की वजह से रॉबर्ट एम गैने के इस सिद्धांत को अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सीधे सीधे पूछ लेता है कि अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था। तो अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट एम गैने ने दिया था। गैने द्वारा बताए गए सभी 8 प्रकार श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। ये भी पूछ लेता है कि ये किस क्रम में होते हैं। तो ये हमारे श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। यह क्रम पिरामिड के रूप में सरल से कठिन की ओर निरूपित होता है। गैने ने ये अपना जो अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत दिया है वो हमारा सरल से कठिन की ओर निरूपित होता है। अर्थात सबसे पहली स्टेज जो है इजी, फिर उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, इस तरह से ये अरेंज होता है एक श्रृंखला में। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या का समाधान होता है और सबसे नीचे जो है सांकेतिक सीखना होता है। ये रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत जो है बच्चे के शुरू से अंत तक की चीज़ें हैं कि वो सबसे पहले क्या सीखता है और सबसे लास्ट स्टेज उसके सीखने की क्या होती है। तो हम ये देख लेते हैं 8 स्टेज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो है, सबसे नीचे का स्टेज होता है, वो हमारा सांकेतिक सीखना होता है। रॉबर्ट एम गैने ने इसमें कहा है कि इस स्टेज के अंतर्गत बच्चा जो है संकेतों के द्वारा सीखता है, अर्थात हाथ पैर हिलाकर, आँख के द्वारा, मुँह के द्वारा, कई सांकेतिक प्रतिक्रियाएं करके वह सीखता है। सांकेतिक सीखना रॉबर्ट एम गैने का पावलाव के क्लासिकी अनुबंधन सीखने के समान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पावलाव से रिलेटेड भी वीडियो डाल देंगे जिसमें उनके बारे में सब कुछ रहेगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि रॉबर्ट एम गैने का जो सांकेतिक सीखना है वो पावलाव के क्लासिकी अनुबंधन सीखने के समान है। ये पावलाव का जो क्लासिकी अनुबंधन है इसे एस टाइप भी कहते हैं। फिर रॉबर्ट एम गैने का जो दूसरा चरण है, जो इस श्रृंखला के दूसरे नंबर पर आता है, वह है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। यह हमारा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना रॉबर्ट एम गैने का स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के समान है। अब जान लेते हैं कि ये उद्दीपन अनुक्रिया होता क्या है। तो हमारा उद्दीपन अनुक्रिया किस कहा जाता है किसे, जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है। अर्थात किसी बच्चे को आप कुछ जैसे खाना दिखाते हैं तो खाने को देखकर वो हाथ पैर चलाता है, मुंह चलाता है, तो वो खाना जो है उसके लिए उद्दीपन का काम कर रहा है। उस उद्दीपन के बदले वह बच्चा एक अनुक्रिया दे रहा है। तो यही हमारा उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना हुआ। अब हमारा थर्ड स्टेज है सरल श्रृंखला का सीखना। सरल श्रृंखला अर्थात एक क्रम में हम सिखाते हैं बच्चों को, एक क्रम में वह सीखता है, इसे ही स्पेसी सीखना भी कहा जाता है, अर्थात मोटर लर्निंग कहा जाता है। गैने ने बताया है कि इस सीखने से तात्पर्य एक क्रम में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सेट से होता है। अब हमारा नेक्स्ट है शाब्दिक साहचर्य सीखना। शाब्दिक साहचर्य सीखना मतलब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसे शब्दों के माध्यम से सिखाते हैं, जैसे कविता याद कराते हैं, शब्दावली सिखाते हैं, कहानी इत्यादि याद कराते हैं। यही हमारा शाब्दिक साहचर्य के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण सीखना अर्थात लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करना सीखता है। जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर हम सिखाते हैं, फुटबॉल तथा क्रिकेट में अंतर उसे सिखाते हैं,
तो ये सारी चीज़ें विभेदीकरण अर्थात डिफ्रेंशिएट करना उसे हम जो सिखाते हैं वही विभेदीकरण के अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय सीखना, इसको हम कॉन्सेप्ट लर्निंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहलाता है। जैसे आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो साइकिल की कुछ कॉन्सेप्ट को बच्चा अगर बाइक चलाने में अप्लाई कर लेता है तो यही हमारा संप्रत्यय होता है। मतलब एक का गुण जो है उसके दूसरे सीखने में हेल्पफुल होता है, या एक विषय जैसे उसने इंग्लिश सीख लिया तो वो दूसरी विषय को दूसरे लैंग्वेज को सीखने में वो इंग्लिश उसकी हेल्प करे, तो इसे ही हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। अर्थात कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना, यही हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग या संप्रत्यय द्वारा सीखना। अब हमारा नेक्स्ट है नियम सीखना। नियम सीखना अर्थात रूल लर्निंग। अब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो इसमें हम बच्चे को रूल्स सिखाते हैं। नियम का सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीखना होता है। इस तरह का सीखना संप्रत्यय सीखना पर सर्वाधिक आधारित होता है। बच्चा रूल्स सीख सकता है जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चीज़ों का, तो ये हमारा संप्रत्यय सीखने पर आधारित होता है। नियम से दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच एक नियमित संबंध का पता बच्चा लगा सकता है। तो ये तो हमारा था नियम सीखना। अब हमारा नेक्स्ट है समस्या समाधान सीखना, जो कि रॉबर्ट एमगैने का सबसे लास्ट स्टेज है। बच्चा सबसे लास्ट स्टेज में जब ये सारी चीज़ें सीख जाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है। तो समस्या समाधान सीखना गैने के श्रृंखलाबद्ध सीखना की सबसे ऊपरी अवस्था है। फ्रेंड्स, ये सीधे सीधे पूछ लेता है क्वेश्चन कि गैने की सबसे ऊपरी अवस्था या सबसे लास्ट स्टेज कौन सी है, तो वो हमारा समस्या समाधान सीखना है। इस तरह के सीखना में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। तो दोस्तों, ये हमारा रॉबर्ट एम गैने का अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत था। ये सारे हमने जो एक पिरामिड में बनाया है और बताया है, इसके डिटेल आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल नहीं पूछता। बस यही पूछता है इसमें कि रॉबर्ट एम गैने का जो अष्टपदी सोपानकी है उसका पहला स्टेप या पहला चरण या लास्ट चरण कौन सा है। तो उसमें आपको ये सांकेतिक सीखना और समस्या समाधान का सीखना पता होना चाहिए। अब थोड़ा गैने से संबंधित कुछ चीज़ें जान देते हैं। ये गैने किससे संबंधित थे, क्वेश्चन आया हुआ था हमारे सीटेट एग्ज़ाम में, तो गैने हमारे अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित थे। इन्होंने एक श्रेणी में अपनी इस सिद्धांत को दिया हुआ है, और हमारा इनका श्रेणी का जो पहला, दूसरा और तीसरा क्रम है उस वह मानव व पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा पहला, दूसरी और तीसरी चीज़ें हैं उसमें हमारे मनुष्य और पशु दोनों ही आते हैं। यह व्यवहारवादियों के सिद्धांत से मिलता है। व्यवहारवादियों ने मनुष्य और जानवर दोनों का एक साथ वर्णन किया है। फिर हमारा क्रम चौथा, क्रम पांचवा, क्रम छठवां, क्रम सातवां व क्रम आठवां, यह केवल मानव कर सकता है, यह केवल मानव सीख सकता है। तो सिर्फ मानव के ज्ञान के बारे में संज्ञानवादियों ने अपना सिद्धांत दिया है। तो ये जो हमारे लास्ट के हैं 4, 5, 6, 7, 8, ये संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों, रॉबर्ट एम गैने के बारे में हमें जितना पॉसिबल हो सका जो मिला वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, समझ आएंगी, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें कहीं मिलते नहीं हैं, हमारी कोचिंग या क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते, और हम इन सब टॉपिक्स को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। जबकि आजकल का एग्ज़ाम का ट्रेंड यही है कि वो ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक रहा। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे जहाँ से एक या दो नंबर के क्वेश्चंस फिक्स हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय दोस्तों, एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।